आज का बजट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। आज एंटी डंपिंग जो एमएमएफ सेक्टर की बहुत बड़ी चुनौती थी, उसका समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। टेक्निकल टेक्सटाइल की दृष्टि से एक नेशनल मिशन की स्थापना सराहनीय काम है, जिसका इंतजार भारत को वर्षों से था। लेकिन साथ ही महिला और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से जो विशेष प्रावधान वित्त मंत्री जी ने किया, वो उनके अंदर की माँ का दर्पण साबित हुआ है। आज मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दिवाली से कम नहीं जो टैक्स रिलीफ निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राष्ट्र को समर्पित किया है, एक सर्वव्यापी सभी समुदायों को समाधान देने वाली और राष्ट्र को सशक्त करने वाले बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करती हूँ। केंद्रीय मंत्री रिवोल्यूशनरी, आप डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स देखेंगे, सब डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स कम हुए, जनता को, मिडिल क्लास को रिलीफ हुआ, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये कॉम्प्लिकेशन चले गए, रेवोल्यूशनरी। अच्छा, और ये ग्रोथ भी है और साथ ही साथ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उससे ज्यादा जितना एग्जेम्पशन हम हटाए हैं उससे ज्यादा हमने टैक्स रेट्स कम कर दिए। बहुत शानदार बजट रहा, बहुत डिटेल में। मध्यवर्गीय परिवार के लिए जो कहा जा रहा है, हाँ, जो जो टैक्स रिलैक्सेशन छूट जो मिला है, आप देखिए कितना बड़ा डील है मोदी सरकार जी का, वो जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो छूट दिए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी रहा है ये। निर्मला जी काफी देर तक, क्योंकि बहुत कुछ बताना है, इतना ज्यादा स्कीम और इतना काम हुई है, इसलिए तो इतना समय लग गया बताने में। अच्छा बजट रहा, बहुत अच्छा बजट रहा। विपक्ष भी कुछ नहीं, वो तो सुन रहे थे, अच्छा बजट है तो सुनना पड़ेगा, अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। इससे अच्छा बजट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हर सेक्शन के लिए है, जो आम आदमी है उसके हक में है। बधाई देता हूँ, यह बजट देश के बुनियादी ढांचागत विकास के साथ ही किसानों के उन्नयन के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला, प्रत्येक नागरिक के आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। मैं एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संरक्षित करने वाले बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।